मुकाम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरी यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। से माधवंकर चरण रे अनंत प्रणाम ज्ञापन करी माल्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी भक्ति ठाकुरणी राधारणी चरण कमल रे अनंत प्रणाम ज्ञापन करी आजीर शुभ सकाळ आजीर दिनटी आपण मानक जीवन रे अशेष सुख प्रदान करू। ई आशीर्वाद माँ को चरण रखी आजीर दिव्य दिव्य अनुचिंता डीटीपी ओडिया द्वारा प्रस्तुत आज श्रवण करवा। आमे बेले बेले संसार आम अनुभव करूँ संसार रे घर मोर कोठा मोर सुना मोर 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 कहु हे सुधी सज्जन ठाकुर अभिराम परमेश सुंदर कथाटे कहले आरे भाई बर बाट बसा बर खंडे थय कर अर्थात संसार रे संसार आमर नुह कि संसार आमे भी नुह कारण आम किछि दिन पई केवल संसार रे अतिथि उपरे आसीचे ए अतिथि रूपक संसार को आम पूर्णतार भूली जाइए जमी आम आम पुओ को हाट को पठाऊ शहे टाँ धन आज जहाँ पर आसबू ब्यागटे पाटे गाड़ी नहीं कि जाए पर हाट रू पर आसला जमी बापाटा पुओ को हिसाब मागे धन शहे टाँग नहीं कौन पर आनलु केते आनलु सेमती संसार आम अतिथि आम हाट को आसीचे यू गलापर आमको परमात्मा हिसाब मागे कौन कर जीवन में कह प्रत्येक व्यक्ति को आम जो मोर मोर कौज घर मोर पुओ मोर कोठा मोर कहीकि आम ईश्वर को भूली जाइए आमको दिन ईश्वर दरबार में हिसाब मागे हिसाब देवाक पड़ो भल मनीष के भल कम कले के खराब कम कले से महापुरुष कौन लिखले कहीं आसीचु मन किस नापाई रे आसीचु लंगला हो जीवशून्य हो अर्थात मनमुद चौदिशिया गर्जन कर अर्थात चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भितर देख किनार खार तेणुकर फेसु विसर्जन जीवन में थे विचार करवा संसार आमर कौन संसार सतरे घर आमर पुआ आमर अर्थात झील आमर उठा आमर ए शरीर आमर कही नुहे कहार मिछमाय संसार भाई बोल बंधु बोल संपदर साथी विपद समय का गोविंद सारथी ये से रथर सारथी शेष सारथी किए ना गोविंद निश्चय ये रथ को निश्चय बाहिकी ने हेले सिना आम गोविंद नाम को जप करते ध्यान करते अनुसरण करते सी आमको ने तेणुक आम के भगवान को अर्थात गोविंद को भाविने जीवन में ये ईश्वर को भजन करवा कारण मृत्यु रूपक विराट काय हम सो आम को दिन डेईवाक पड़ो आम जमी घर मोर कोठा मोर कौजे अर्थात ये शरीर कहार मानत ये शरीर हूँ मृत्युर मानत झील आम कहे झील मोर झील जईर मानत आम कहे पुओ मोर पु पुओ हूँ पत्नीर मानत ये शरीर आम नुह शरीर हूँ मृत्युर मानत आम कहे घर मोर पुओ मोर कोठा मोर आप जापर ये संसार आम के भल पाए छोटिया उदाहरण देते सज जापर कथा कौन ना सगाला चंद्र सेठ नामक जड़े धनी लोक थे अचलाचल संपत्तिर मालिक से करती कौन ना प्रत्येक दिन तक गोटे बड़ ग्रोसरी दुकान था सी एमती धन आउ टंका को संची संची दिने मरीगले जीवन में भी भगवान को दरबार को टंकाटे देना दुखी रंगिकी दान करना सब टंका को बैंक बालांस पुओ ना छंचिकी चलीगले कारण सी भावती संसार में मो पु मोर झूम मोर पत्नी मोर तेणुक संसार में सबुधन को संची मरीगला पु बोर्डे बापा ना सगा चंद्र सेठ मृत बोर्ड से गोदाम घरे उपर मराई एपटे ए समय रे गोटे छेली सेपटे गोटे छेलीवाला जिते छेली धरिकी नौ किेली छेली मैंने जाऊँच गोटे छेलीर मन पड़गला ए दोकान को भिड़गला आउ हर डाली अखार मुह पर छेलीटा खाईदेला किटा खाली ओंठा जीभ मारिदे एपटे ये सगा चंद्र सेठ जो बोर्ड मैं पुओ बसी क्यास टा बाक्सपारे बस दौड़ी आसिक छेली बेक को धरी कह आज छेलीवाला कहले धमक दे तो छेली आज बेकटा को मुंडटा को हाणिक रखी तो छेली मो हर डाली अखाटा को अंठा करदे नष्ट करदे जिते बड़े धमक दौरपटे आकाश मार्ग देवरश नारद शिष्य मान सहित जाऊँ हसीदे शिष्य मैंने पचारे कहे गोसई गुरुदेव गुरुदेव आपण हसुच्च कौन पाई ना शिष्य मैंने देख मर्त्य लोक कौन हो कौन ना देख
ये जो दुकान में मराई क्या फटो ना सगाला चंद्र सेठ ना देख ये हूँ से दुकान मालिक ये किसी वर्ष तेज से मरीगले मरिक छेली जन्म है देख जो छेलीटा को पुह धरी हाणीपाई मुंड से निजे सगाल चंद्र सेठ से थिले से मरीगला जेहेतु दान धर्म करना पुण्य करना परोपकार करना टा क्या भी देना संचिक रखिंट कर्म अनुसार से हेले कौन ना से गोटे छेली जन्म पाइले आेली जन्म पाई जो जाऊँच छेली बेला धरिकी नौ जो मन पड़गला ये मो पुअर दुकान ये मो दुकान यही मो दुकान तेणुक मन पड़गला छाड़क दौड़ी जो हर डाल दीरा खाया चलीगले देख ये संसार नियम ये संसार रे पुओटा मारी बस धरिकी बापार मुंड को हाणी कौच यही तो संसार तेणुक से कथा को भाविक मुझे मन मन हसवाक लगे संसार किए कह तेणुक हे सुदीश्वरचरण ये दिव्य चरित्र आमको शिक्षा मिला संसार रे आमे जो घर को कौचे मोर पु मोर कोठा मोर प्रकृत कई भल पाते बा आमको कई केवल अंतर्जामी परम पुरुष जी अंतर कथा बोझे से होती अंतर्जामी परम पुरुष भगवान ताकू छाड़ी किसी ना आम कौचे संसार आमको बहुत भल पाते आम जो मरीज दस दिन शेष खाया बोधे आमको नहीं जी आम का पेत हो घरे पशिजा बोली लुहा कंटा दुआर बंदर बाड़ेदेवे संसार अर्थात काले मो बापा पेत हो घर को पशिज ये लुहा कंटा को बाड़ेदे बापा पेत हो पशिपर हे सुदीश्वरजन एति मन रखिए ये संसार ठू स्वार्थवादी आई ना से ठाकुर अभिराम परमश कौन कहले अर्थात ये ठाकुर अभिराम परमश से कथा सुंदर भाव में कहले आरे वाइबर बाट बसा घर खंडे थय कर तु जेबे बोलुचु मोर मोर अर्थात तु जहा बोलुचु मोर मोर आपणा संपत्ति के नुहे तोर अर्थात घर घरणी जहाँ को करू सी हो सतपर किए कह तेणु सज्जन तेणुक ईश्वर व्यतिरेक दुनिया में कहीं आम आपणार नुह समस्ते बंची अवस्था पुण्यरूपक धनरूपक धन को पुण्यरूपक धनरूपक धन को आम संचवा आम गरीब हवानी प्रकृत धनरूपक धन को हरिनाम रूपक धन को संचय करी आम संसार विदाय नवा यही वाणी सहित आज ये शिक्षा आमको प्रदान कर आज ये शिक्षा आम शिखा जीवन में भगवान के भी भूलानी प्रत्येक दिन ईश्वर को आम भजन करवा प्रभु को भजन करवा आ दिव्य चरित्र सब जहाँ शिखा आम आम जीवन में काम लगे आम जीवन निश्चित भाव सफल हो पार भल मनीषे ये सहित सहित आज अनुचिंता आपन को ये शिक्षा प्रदान करे आम प्रत्येक दिन ईश्वर को भजन करवा ईश्वर को भूलानी माया संसार केत भल पाइबानी जो मायाटा आम क्षति में पकेब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आपणकर आज शुभ सकाल आपण आनंद आनंद भरी दे जीवन सुखप्रद करू जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जदि आपण जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पर आम को जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।